शिमला के ऐतिहासिक रिज पर बने क्राइस्टचर्च में पहली बार क्रिसमस पर्व अलग ही अंदाज में मनाया जाएगा। इस बार क्राइस्टचर्च में पहाड़ी नाटी का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य पादरी विनीता रॉय ने बताया कि इसे लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि 25 दिसंबर को क्रिसमस पर सुबह 11 बजे से विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की जाएगी। साथ ही नए साल के अवसर पर 1 जनवरी 2024 को भी क्राइस्टचर्च में विशेष प्रार्थना सभा आयोजित होगी। यस, क्रिसमस बहुत ही उत्साह के साथ उसकी तैयारियां चल रही हैं, मनाया जा रहा है। 2 दिसंबर से हम लोगों का एडवेंट सीजन शुरू हुआ और 4 एडवेंट संडे होते हैं जिसमें विशेष प्रार्थनाएं होती हैं, विशेष सभा होती हैं। रविवार को स्पेशली सभी कॉन्ग्रीगेशन के लोग आते हैं और हम लोग स्पेशल वर्शिप सर्विस ऑर्गेनाइज करते हैं। आज 4th एडवेंट संडे था और इसी एडवेंट वीक के और एडवेंट 4 एडवेंट्स के दौरान हमारे कैरल सिंगिंग प्रोग्राम था जिसमें हम डोर टू डोर जाकर एक दूसरे को क्रिसमस की बधाइयाँ देते हैं, लोगों को मिलते हैं और एक दूसरे के लिए प्रेयर करते हैं, क्रिसमस एक ग्रीटिंग्स देते हैं एक दूसरे को। और हमारी 7th दिसंबर से कैरल सिंगिंग डोर टू डोर शुरू हुई थी क्राइस्टचर्च शिमला की। और उसके बाद 20th दिसंबर को हम लोगों का बच्चों का प्रोग्राम था, क्रिसमस ट्री प्रोग्राम, जिसमें बच्चों को गिफ्ट्स दिए गए और यहाँ पर प्रेयर की गई और बच्चों ने डांस किए, क्रिसमस डांस किए, क्रिसमस सॉन्ग्स पार्टिसिपेट किया उन्होंने। और उसके बाद 22 तारीख को क्राइस्टचर्च शिमला में कैंडल लाइट सर्विस थी इवनिंग में और बहुत ही लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, काफ़ी टूरिस्ट भी थे उस समय और एक अच्छी आराधना, अच्छी कैंडल लाइट सर्विस हम लोगों का हुआ। हम लोग दुआ मांगेंगे, देश के लिए दुआ करेंगे, शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने हिमाचल के लिए, अपने देश के लिए, अधिकारियों के लिए, हम उसमें विशेष शांति की प्रार्थना हम लोग करते हैं। और उसके बाद कल क्रिसमस है, बड़ा दिन है और कल की जो हमारी वर्शिप सर्विस है वो 11 बजे क्राइस्टचर्च शिमला में है। और कल बच्चों के भी प्रोग्राम होंगे, उसके बीच में बच्चे क्रिसमस डांस करेंगे, महिलाएं क्रिसमस नाटी करेंगी। ख़ास तौर पे ये मेरा फर्स्ट टाइम है हिमाचल में, तो मुझे नाटी बहुत पसंद आया और मुझे लगा कि यस, हमारे हिमाचल की जो संस्कृति है उसको भी हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस पर दिखाएं। तो आपको बता दें कि हर बार शिमला में क्रिसमस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और इस बार शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर बने क्राइस्टचर्च में पहली बार क्रिसमस पर्व अलग ही अंदाज में मनाया जाएगा और इसको लेकर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस पर और बातचीत करने के लिए सीधे शिमला का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, क्योंकि जब शिमला की बात होती है और बात इसके अलावा 25 दिसंबर की होती है, यानी क्रिसमस की बात होती है, बड़े दिन की बात होती है, तो शिमला में एक अलग ही रंग देखने को मिलता है। राजेंद्र, इस बार क्या कुछ तैयारी है? कहा जा रहा है कि इस बार का जो क्रिसमस होगा शिमला का वो बिल्कुल अलग होगा, रिज मैदान पर इसकी तमाम तैयारियां भी मुकम्मल की गई हैं। क्या कुछ, कितना उत्साह है इसे लेकर लोगों में? अबू, इस बार का क्रिसमस सच में ही शिमला में है, क्योंकि एक क्रिसमस है, न्यू ईयर का ईव है और विंटर कार्निवल यहाँ शिमला एमसी की तरफ से घोषित। शिमला का एक भव्य दृश्य यहाँ से दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से यहाँ पर बड़ी संख्या हैं और धीरे धीरे जो संख्या है पर्यटकों की वो भी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जो शहर की रौनक है वो अपने आप में देखने लायक। तो शिमला के ऐतिहासिक रिज पर जिस तरह से हमारे सहयोगी तस्वीरें दिखा रहे थे कि तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और इस बार क्राइस्टचर्च में पहली बार क्रिसमस पर्व अलग अंदाज में मनाया जाएगा, लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रही है और 25 से लेकर 1 तारीख तक यानी नए साल तक ये तमाम जो प्रोग्राम होंगे वो एक तरह से जारी रहेंगे। यहाँ पर प्रार्थना का भी आयोजन किया जाएगा और इसके अलावा इस बार क्राइस्टचर्च में पहाड़ी नाटी का आयोजन भी किया जाएगा।